नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चिमयावली निवासी सोमपाल पुत्र बुद्धा अपने 8 पशुओं को रोज की तरह उन्हें आज भी जंगल में चराने के लिए ले गए। जैसे ही फिरोजपुर के नीचे से रास्ता क्रॉस किया, वहां से जंगल की ओर रास्ते में एक ट्यूबवेल के निकट पहुंच गए। वहां पर एक 11,000 लाइन का पोल खड़ा था। बारिश के चलते उस पोल पर बिजली का करंट उतर आया, जिस पर ना तो इंसुलेटर लगे थे और ना ही कोई क्लिप। उसी रास्ते से सोमपाल अपने पशुओं को लेकर गुजर रहा था। जैसे ही पशु पोल से टकराए, एकदम मौके पर 8 पशुओं की मौत हो गई। रामपाल के परिजनों ने बताया, मेरा नुकसान लगभग 6 लाख से ऊपर का है। मेरा और कोई व्यवसाय नहीं है, भैंस पालन कर इसी से अपने बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। अब जो मेरा सहारा था यानी पशुओं के मरने से चला गया है। इसमें सारी की सारी लापरवाही बिजली विभाग की है, क्योंकि जिस पोल पर 11,000 लाइन का करंट होता है उसके चारों तरफ 1.5-2 फुट का एंगल और इंसुलेटर लगा होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर शायद ये होता तो मेरी भैंस ना मरती। इसके बावजूद जब ग्रामवासियों ने बिजली घर को फोन किया तो किसी भी शख्स ने फोन नहीं उठाया। उन्हें जब किसी तरह से पशुओं के मरने की जानकारी मिली तो वहाँ की लाइट काट दी गई। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को दी गई। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंगल भी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्होंने पशु मालिक सोमपाल से जानकारी कर सरकार से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया और कहा, आप किसी तरह की चिंता मत करो, तुम्हारे साथ ईश्वर ने चाहा तो फिर आप इस मुआवजे की रकम से पशु पालन कर अपने बच्चों का पालन पोषण करना। इस संबंध में भाजपा नेता राजेश सिंगल ने जिलाधिकारी मनीष बंसल को घटना से अवगत कराकर भैंसों का अलंकरण कराकर जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाने की बात कही। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे GBN 24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज।